कालू सेठ जंगल का बहुत ही अमीर पक्षी था। उसके घर पर बहुत सारे पक्षी काम किया करते थे, लेकिन कालू की कंजूसी के कारण कोई भी पक्षी उसके घर पर ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाता था। एक दिन, सेठ जी, मैं बगल के जंगल से आई हूँ, कोई काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। काम तो बहुत है हमारे पास, लेकिन जो यहाँ काम करता है उसे मेरी दो शर्त माननी होती है। पहला ये कि तुम्हें पत्ता भर भात मिलेगा खाने के लिए, और दूसरी ये कि मैं जो तुम्हें काम दूंगा उसे कभी ना नहीं कहोगी, नहीं तो बिना पगार लिए यहाँ से तुम्हें जाना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। ये कहकर टुनटुनी काम में लग जाती है, और कालू सेठ टुनटुनी से पूरा दिन काम करवाता है और खाने के लिए नीम के पत्ते पर थोड़ा सा चावल दे देता है। कुछ दिनों के बाद खाना ना मिलने के कारण टुनटुनी बीमार हो जाती है और अपने घर जाने की बात कहती है और सेठ जी से कुछ पैसे मांगती है, लेकिन सेठ जी उसे पैसा नहीं देते। देख टुनटुनी, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अगर मैं तुझे जो काम दूंगा वो काम अगर तू नहीं करेगी और एक साल के पहले ही चली जाएगी तो मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा, बिना पगार के तुझे घर जाना पड़ेगा। ये सब सुनकर बेचारी टुनटुनी बिना पैसा लिए अपने घर चली जाती है और सारी बात अपने पति को बताती है। ये सब बातें सुनकर उसका पति भोलू कबूतर को बहुत दुख होता है और वो कालू सेठ से बदला लेने की सोचता है। और एक दिन, सेठ जी, मैं दूर के जंगल से आया हूँ, कोई काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, आपके बारे में बहुत सुना है, आपके यहाँ बहुत काम रहता है, मुझे कोई काम मिलेगा? हाँ हाँ, तुम्हें बहुत काम मिलेगा, लेकिन मेरी दो शर्त माननी होगी यहाँ काम करने के लिए। वो क्या सेठ जी? मेरी पहली शर्त ये है कि तुम्हें पत्ता भरकर खाना एक बार ही मिलेगा, और दूसरी, मेरी हर बात मानोगे, ना नहीं कहोगे, और जिस दिन ना कहोगे उस दिन तुम्हें बिना पगार लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर आप मुझे अपनी मर्जी से काम से निकालोगे तो मैं आपसे 5 साल की पगार लेकर जाऊंगा। कालू सोचने लगा, अरे मैं इससे थोड़े दिन काम करा के नीम के पत्ते पर भोजन दूंगा, ये खुद ही यहाँ से भाग जाएगा। ये सोचकर कालू शर्त मान लेता है और फिर भोलू कबूतर काम पर लग जाता है। और खाना खाने की बारी आती है तो भोलू कबूतर केले का पत्ता लेकर आता है और उस पर खाना भरने को कहता है, लेकिन सेठ तो नीम के पत्ते पर पहले से खाना लेकर आया हुआ था। लेकिन भोलू कबूतर बोला, सेठ जी, आपने ही कहा था पत्ता भर के भात मिलेगा, ये नहीं कहा था कि कौन से पत्ते में भर के मिलेगा, इसलिए मैं केले का पत्ता लाया हूँ, आप इसे भर दीजिए। लेकिन तुम इतना खाना खा भी नहीं पाओगे। सेठ जी, मैं खाना खाऊं या फेंकूं, आप पत्ता भर दीजिए। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही कुछ दिन और चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं सबको उल्लू बनाता था, पर आज ये मुझे उल्लू बना रहा है, मुझे इसे जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। और एक दिन कालू भोलू को 5 साल की पगार देकर उसे काम से निकाल देता है। और भोलू को 1 महीने भी नहीं हुए थे कालू सेठ के यहाँ काम करते हुए, और एक साथ 5 साल की पगार पाकर वो बहुत खुश होता है और अपने घर चला जाता है, जैसे को तैसा।